हमारा सबसे पहला अपडेट है टॉप 5 बेस्ट सेलिंग मांगा से लेकर जो कि 2023 में बिके हैं, जिसमें से पहला मांगा का नाम है ब्लू लॉक, जो दूसरा मांगा है उसका नाम है जुजुत्सु काइसेन, तीसरा मांगा का नाम है वन पीस, चौथा मांगा का नाम है चैनसो मैन और पांचवा मांगा का नाम है ओसिनो को। हमारा दूसरा अपडेट है डिज्नी से लेकर, तो डिज्नी ने हुलू के अब सारे राइट्स खरीद लिए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि हुलू क्या है, तो हुलू एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल क्रंची रोल की तरह। जैसे कि क्रंची रोल पर आपको एनिमे देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही हुलू पर भी बहुत सारे एनिमेज हैं। वैसे तो हुलू इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब डिज्नी ने इसके राइट्स को खरीद लिए हैं, तो हो सकता है कि अब डिज्नी चैनल पर हुलू में जितने भी एनिमेज हैं उनको हिंदी डब करके डिज्नी फ्यूचर में दिखाए। हमारा तीसरा अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया के ओल्ड शोज से लेकर, ओल्ड कार्टून से लेकर, जैसे कि स्कूबी डू, यंग जस्टिस, बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, द लूनी टून शो। तो अब ये सारे जो शोज हैं ये आने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे शोज आने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर, और ये आने वाले हैं 21 नवंबर को, और मे भी हो सकता है कि इनको भी हिंदी डब मिल जाए, जैसे कि बेन 10 क्लासिक को मिला है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली कोड व्हाइट मूवी से लेकर, तो क्रंची रोल इसको लाने वाला है वर्ल्ड वाइड, और ये थिएटर्स में रिलीज करने वाला है 2024 में, लेकिन अफसोस कि इसमें इंडिया का नाम नहीं है, तो शायद इंडिया में रिलीज ना हो। हो सकता है कि फ्यूचर में क्रंची रोल का मूड बदले और इंडिया में भी रिलीज कर दे, लेट्स सी। हमारा अगला अपडेट है अटैक ऑन टाइटन फाइनल एपिसोड से लेकर, जो कि आ चुका है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि इसको मिलने वाला है एक ऑफिशियल हिंदी डब, जो कि एक फैन डब होगा। ऑफिशियल डब इसको कहना सही नहीं है, मैं ऑफिशियल डब इसलिए कह रहा था क्योंकि इसमें खुद ऑफिशियल प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट होने वाले हैं, जिनको यार डबिंग की समझ है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई कौन है जो इसको एक प्रोफेशनल वॉइस एक्टर से डब करवाने वाला है। तो देखो, जो इसको प्रोफेशनल से डब करवाने वाला है उसका नाम है RDJ रोहित एनिमे प्रो। तो यहाँ पर आपको ये एनिमे देखने को मिलने वाला है, और शायद से ये 10 नवंबर या मे बी 11 नवंबर को डब करके ये डाल देंगे। हमारा अगला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन से लेकर, तो ये एक रिमाइंडर अपडेट है, और सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं इस मूवी का प्रीमियर में, जो कि प्रीमियर होने वाला है संडे के दिन 12 नवंबर को शाम के 5:30 बजे। तो इसे भूल से भी मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। हमारा अगला अपडेट है PVR से लेकर, तो हिडन एक्सोडर ने कल अपने स्टोरी पर पोस्ट किया, देखो दोस्तों अब मैं तुम्हें सच बताने वाला हूँ, अब तुम्हें कोई भी हिंदी डब एनिमे PVR में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि PVR को अब समझ में आ गया है कि हिंदी डब एनिमे इंडिया में नहीं चलने वाला, और इसे बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स मिल रहा है इतना ज़्यादा प्रमोशन के बाद भी। तुम्हें इंग्लिश सब के साथ, इंग्लिश डब के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदी डब नहीं मिलेगा। और मैं ये तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि PVR ने एक एनिमे मूवी को डब करके रखा हुआ है जिसका नाम है 5 cm/s, लेकिन वो इसको हिंदी डब में रिलीज नहीं करने वाले, क्योंकि PVR को अब समझ में आ गया है कि वो गलत थे। यहाँ पर हिंदी डब के सपोर्टर्स तो हैं जो सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ हाँ हम हिंदी डब को देखेंगे, लेकिन जब देखने की बारी आती है तो कोई भी वहाँ पर नहीं आता, सब इंग्लिश डब में ही देखते हैं। तो गाइज, हिंदी डब एनिमे अब शायद आपको PVR में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज देखो, आपको पता होगा कि जो सुपर हीरो फिल्म यार हिंदी डब में आई थी, तो उसे कितना ज़्यादा प्रमोशन मिला था, इतना ज़्यादा प्रमोशन, कितने सारे एनिमे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, यहाँ तक कि सुजुमे का प्रमोशन भी नेक्स्ट लेवल पे हुआ था, खुद मकोतो सिंकाई भी आए थे। और देखो, 13 करोड़ इस मूवी ने कमाया है इंडिया से, लेकिन हिंदी डब का उसमें थोड़ा कम योगदान है, ज़्यादा उसमें योगदान नहीं है हिंदी डब का। और मैं जो ये कह रहा हूँ कि हिंदी डब को अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ थिएटर्स के लिए, PVR के लिए, क्योंकि TV चैनल्स पर हिंदी डब को तो यार मिलियंस लोग देखते हैं। तो देखो, हो सकता है कि थिएटर्स के लिए हिंदी डब ना आए, लेकिन TV के लिए तो पक्का आएगा। तो TV ऑडियंस, डोंट वरी, हिंदी डब एनिमे आएगा TV पर। हमारा अगला अपडेट है मांगा प्लैनेट से लेकर, तो फाइनली इतने इंतजार के बाद मांगा प्लैनेट इंडिया पर लॉन्च होने वाला है, और इसका रिलीज डेट है 15 नवंबर 2023।
इनफैक्ट कि ये अपना दो गो इवेंट भी करने वाले हैं इसी साल। एक इवेंट होने वाला है बेंगलुरु में कॉमिक कॉन 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक, और एक होने वाला है दिल्ली कॉमिक कॉन में 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। हमारा अगला अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली के हिंदी डब से। तो फाइनली अब ये एनिमे हिंदी डब के साथ स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है, और इसका एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 12 तक आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिलेंगे क्रंचीरोल इंडिया पर। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एनिमे प्लेटफॉर्म से लेकर, कि जो एनिमे फैंस हैं उनको किस में एनिमे देखना सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, म्यूज एशिया पर, म्यूज इंडिया पर, क्रंचीरोल पर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर या नेटफ्लिक्स पर। और 82% वोट मिला है क्रंचीरोल को, और बाकी के प्लेटफॉर्म को जो वोट मिला है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जॉम 100 बकेट के एनिमे से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस के दिन ये एनिमे खत्म हो जाएगा, मतलब इस दिन इसके आखिरी एपिसोड्स आने वाले हैं जो बच गए हैं। हमारा अगला अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर। तो शायद से आपने BTS का नाम सुना होगा, जो कि यार साउथ कोरिया के 7 मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं और अच्छे गाना गाते हैं। तो उसमें से BTS का जो एक मेंबर है जिसका नाम है जंगबुक, उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल रो पड़े थे जब उन्होंने अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड देखा था। हमारा अगला अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 से लेकर। तो ये अब यार ट्रेंड हो रहा है नेटफ्लिक्स इंडिया पर 5वें नंबर पे। इसमें 7वें नंबर पे ट्रेंड हो रहा है ब्लू आई समुराई, और 8वें नंबर पे ट्रेंड हो रहा है ओनिमुसा। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना। तो चलो बाय बाय।